पैसा दे पैसा पैसा दे तन्नी पैसे देना जादू पैसा दे देना पैसे प, 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 पैसे दे दे ओके पैसे दे दे वे ये इतना दिखता होता है नहीं मैं पैसा दे मेरा अरे यार निकालो यार सब पांच पांच रुपए निकालो चलो अब मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है अब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा अब मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है अब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा ए चिल्लाते क्या है वे आवाज क्या कर रहे सर मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप मिली है कॉलेज की ओनरशिप नहीं अरे लेकिन सर मुझे स्कॉलरशिप मिली है उसको देख दो साल पहले उसको भी स्कॉलरशिप मिली थी थैंक यू सो मच सर आपने 3 साल की सैलरी एडवांस में दे दी थैंक यू सो मच अरे ये तो कुछ भी नहीं है अगर तुम्हें चाहिए कॉलेज कमेटी की तरह से गाड़ी बंगला बीवी सब मिलेगा सर कैन वी कम इन Yes, my precious child. Tell me, what can I do for you? Sir, next month we have Paint Marisa annual income event. So, we need money for that. ये लो बड़ा, रखो, रखो, रखो. ये लो बड़ा, चेन भी रख. ले, पकड़. ये ले, चश्मा पहन. लगना चाहिए मेरे कॉलेज का बच्चा है. फोन रख, फोन रख, फोन रखो. बेचो, बेचो, बेचो. ये, कॉलेज के पेपर. कॉलेज बेच दो. लेकिन फेस्ट अच्छा होना चाहिए, समझे? सर, इतने में तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट ठीक है, कर लेंगे जस्ट. थैंक यू. सर वो पैसे कौन से पैसे वो सैलरी सर अरे दी तो थी खर्च हो गई सैलरी खर्च कर दी सर वो 6 महीने पहले दी थी इसलिए तुमको सैलरी देता नहीं हूँ मैं नेक्स्ट टाइम अगर पगार मिले ना अगर मिले तो तुम म्यूचुअल फंड्स पे लगाना ये देखो ये है ग्रो ऐप इसमें तुम म्यूचुअल फंड्स पे पैसे लगा सकते हो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स वो भी यूपीआई के थ्रू तुम पेमेंट कर सकते हो ऊपर से नो कमीशन नो एक्स्ट्रा चार्जेस जब चाहे पैसा लगाओ जब चाहे विड्रॉ करो किधर भी कभी भी वो क्या है आजकल के प्रिंसिपल हराम ही हो गए ठीक है 6-6 महीने तक सैलरी देते नहीं है टीचर्स को हेलो सिक्योरिटी ऑफिस में कुछ वाहियात लोग घुस आए सर आपके कॉलेज के बच्चे हम अच्छा मेरे कॉलेज के बच्चे हो आजा अंदर हाँ फोन रख पैसा कट रहे क्या चाहिए भौक सर वो कॉलेज का पेंट सरिता फेस्ट आने वाला है हाँ तो क्या करूँ मैं सर तो उसके लिए थोड़े पैसे हाँ दे पैसा दे देने नहीं है लेने पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है ना एक बात बता 10 रुपए का समोसा 5 का भुजिया 3 रुपए का प्लेट 2 रुपए का चॉकलेट होते है 20 रुपए आते है 100 बच्चे 20 × 100 2000 रुपए के लिए मेरे पास आयो ये लो 2000 रुपए लो रखो ये मैं इसकी सैलरी से काट लूंगा और सुनो हराम खोरो कभी कॉलेज भी आ जाया करो सालो साला प्रोफेसरों के लेक्चर से ज्यादा तो कॉलेज के सामने जेसीबी की खुदाई अटेंड करते हैं लोग चल हट देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार अरे जाना मैंने यार मेरे को शर्म आती है यार जा यार नहीं देगी यार अरे क्या रिप्लाई नहीं देगी मेरे को औकात के बाहर है भाई मैं मैंने आईटी डिपार्टमेंट के मेरे औकात के बाहर है नहीं दीदी मैंने जाना है चलना जाना सिमरन एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ कहना है बोलो हाय मैंने तो बच्चों का नाम भी सोच लिया से माशीशा पट गई भाभी पट गई आईडी किधर है आईडी किधर है आईडी किधर है आईडी किधर है आईडी दिखा
आईडी दिखा। अरे भाई मेरे रोज आता हूँ ये कॉलेज में, देखता नहीं है मेरे को? रोज इधर ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेके तो एंटर करता हूँ, रोज आईडी मांगता रहता है। आईडी। प्रूफ क्या? प्रूफ क्या? जा हर लड़की से पूछ कॉलेज की, सबसे चमाट खा चुका हूँ, प्रूफ चाहिए। कैंटीन में पूछ, 600 समोसों का उधार पड़े, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। ऐसा भी हो सकता है तू बाजू वाले कॉलेज का है और यहाँ पे आया तू बीच में? भाई मेरे को कोई शौक नहीं है सुबह को मरा के ये कॉलेज में आने का, बड़ा करण जौहर का कैंपस खोल कर रखा है ना। तेरी आईडी किधर है? तूने आईडी क्यों नहीं पहनी है? मैं कैसे मालूम तू यही कॉलेज का वॉचमैन है? मैं कैसे मालूम कि तू बाजू वाले कॉलेज का वॉचमैन नहीं है? निकल बाहर, निकल, चल तू जा, आईडी कार्ड नहीं मैंने निकाला। मजाक कर रहा है? नहीं, आईडी किधर है? नहीं, आईडी किधर है? शांत शांत, तुम बहुत अच्छा काम करता मकसूद भाई, शांत। आईडी। क्या हुआ? यू हैड एन एक्सीडेंट? सर ये जो सामने बिल्डिंग है ना सर, उसके थर्ड फ्लोर से मैं कूद के गिर गया था सर। Why? वो सर मैं कॉलेज से रस्टिकेट हो गया था। सैलरी कितनी लोगे? बात कर ले भैया। थैंक यू सर। You had an accident? Sir, ये जो let me guess, वो तुम बाजू वाले बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर से कूद के गिर गए थे, तुम्हें रेस्टिकेट किया गया था बेचारा। अरे नहीं नहीं सर, वो आईपीएल के फाइनल में मैंने सारा पैसा चेन्नई पे लगाया था, तो सर वो बुकी लोग है ना हाथ पैर तोड़ के गए सर, इसलिए हालत है। क्या करें, अभी माँ बाप का घर बार भी लगा दिया मैंने सर फाइनल में, होता है ना सर। मैं क्या बोलता हूँ सर, मेरे को प्लीज नौकरी दो ना, आई नीड दिस मनी सर। So presenting you international inter college intimacy intercourse and every inter entertainment student of the year award goes to Akash Jodeja, everybody! So I don't see my boss. Thank you. Yes! Woo! लेकिन दूसरे फंक्शन का भूल जाता हूँ। अरे भाई याद रख, सीईटी में ना टाइम नहीं होता। अरे भाई, मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीत गया। रोहित, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीता है भाई। ताली बजा भाई के लिए, ताली बजा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तू स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीता है। तेरे को पता भी असली स्टूडेंट्स क्या होते? ये देख, ये है असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। शक्ल देख, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, बाल झड़ गए, पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इसे पूरा दिन पढ़ते रहता है, आर डी शर्मा में घुसा रहता है। इसे पूछ बाहर क्या चल रहा है। आईपीएल पता है तेरे को क्या होता है? एवेंजर्स पता है क्या होता है? हाँ, लड़की देखी है जिंदगी में? लड़की देखेगा भी कैसे? कैसे देखेगा? क्योंकि लॉन्डियो के नाम पे इसने जिंदगी में देखा गया। शर्मा मिस, मैत्री मिस, पूजा मिस, और बताओ कौन होता है असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर? हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स, सीए के स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स, ये होते हैं असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इनकी कहानी बॉलीवुड नहीं बताता, इनकी कहानी मैं बताता हूँ। हम स्टूडेंट्स 60 किलोमीटर रोज ट्रैवल करके कॉलेज में आते हैं, क्यों? सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने, क्योंकि इस कॉलेज को चाहिए 75% अटेंडेंस। बेसिकली ये कॉलेज हमारा पति है, हम इसकी बीवियां हैं, और रोज यहाँ पे लेक्चर के नाम पे स्वागरात चलती है, जिसमें हम घूंघट उठा के मुंह दिखाई के नाम पे प्रेजेंट सर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज को चाहिए 75% अटेंडेंस। हम स्टूडेंट्स थोड़ी है, हम तो मजदूर है। एक स्टूडेंट और एक मजदूर में कुछ फर्क नहीं होता। एक मजदूर हाजिरी लगाता है, स्टूडेंट अटेंडेंस लगाता है। मजदूर की पगार कटती है, स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं। मजदूर बंबू उठाता है, स्टूडेंट पेन उठाता है। मजदूर को बंबू उठाने के 600 मिलता है, हम स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? सिर्फ बंबू, वो भी किधर? अबे कभी जाके ना हमारे कॉलेज के एडमिन और ऑफिस डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके दिखा। अबे आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट तो इनको डॉक्यूमेंट देना होता है। आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, 600 साल बाद आओ। तू बहुत बड़ा स्टड है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बहुत लड़कियां पटाई होगी तूने, बहुत लड़कियों ने तेरे को धोखे दिए होंगे। तेरे को पता भी है धोखा क्या होता है? मैं बता दूं तेरे को धोखा क्या होता है। धोखा वो होता है जब तू एक वायवा में जाके बैठता है और तेरा ही अपना इंटरनल टीचर एक्सटर्नल टीचर के सामने तेरी बजाता है। धोखा वो होता है जब तू रोज लोकल ट्रेनों में झूल झूल के कॉलेज आता है और टीचर बोलती है आज का लेक्चर कैंसिल ले, आज अटेंडेंस नहीं मिलेगी। और सबसे हरामखोर होते हैं ये साले चाटू टॉपर लोग, जो हमें मास बंक के वादे देके हमारे पीठ पीछे टीचर के सामने जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें चाटनी है टीचर की गॉड। इन्हें बनाने रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड चार्ट रिकॉर्ड। इन जैसे हरामखोरों की वजह से हम जैसे बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं, जिन्हें जिंदगी में कुछ बनना है, जिन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, उन्हें क्या मिलता है? टीचर का नेग्लिजेंस।
और कुछ नहीं। और भाई टीचरों की तो बात मत निकाल, ये कॉलेज में ऐसे कुछ जल्लाद प्रोफेसर है, इनसे अगर मैं कुछ भी बोलूं ऐसे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि पूछ मत। उस दिन मैं एक टीचर के पास गया, मैंने बोला सर मैं आज असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सर दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान था। ऐसे आंखें बड़ी करके देख रहा था जैसे उसकी छाती में हाथ डाल के मैंने उसके छाती के बाल खींच लिए। अरे सर तुम तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हम बच्चे तो छह छह सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसका क्या। और गलती से भी इस कॉलेज में अगर एक अच्छा प्रोफेसर आ जाता है जो हम बच्चों को समझता है, हमारे डाउट सॉल्व करता है, हमें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, उसे भी ये फैकल्टी वाले अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में निकाल देते। बेसिकली इन कॉलेज वालों को हम बच्चों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। ना ना ना, हम बच्चे खुश कैसे होंगे, हमको टेक्निकल फेस्ट पसंद है फेस्ट कैंसिल कर देते, पबजी पसंद है पबजी बैन कर देते। इनको कोई अगर बच्चा खुश दिख जाता है ना इनको विश्वास ही नहीं होता, अरे ये कॉलेज है ये खुश कैसे, इधर इधर इधर। अरे रवि तू खुश है, एक काम करता हूं तेरे को 8 असाइनमेंट देता हूं, ये ले 8 असाइनमेंट। हां साले 4 साल से इतने असाइनमेंट और जर्नल लिखे मेरे घर पे, इतने असाइनमेंट जर्नल पड़े, अगर रद्दी वाले को बेचने निकलूंगा ना इतना पैसा कमाऊंगा अंबानी शर्मा जाए। ये जो कॉलेज के सामने जो बाहर जेरोक्स वाला है ना, हर सैटरडे संडे ये बंद क्यों रहता है। अबे हमारे इंजीनियरिंग के जेरोक्स कर करके से इतने पैसे कमाए इनकम टैक्स की रेट पड़ती है इसके अंदर, सोच इंजीनियरिंग कितना बड़ा धंधा हो गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बढ़ाए। ना ना ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बीज जो क्या करते सिर्फ लिखते रहते हैं असाइनमेंट जर्नल प्रोजेक्ट शीट ये सब। इनसे पूछ 4 साल तुमने क्या किया, हमने लिखा क्या लिखा, एम एक्सपेरिमेंट लसन कंक्लूजन बस, और कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने, बस थ्योरेटिकल रद्दी लेके एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच भागते रहते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज नल्ला। और सबसे हरामी होते ये कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल वाले, मेरे को 4 साल से बोल रहे भाई तेरे को जॉब आएगी, तेरे को कंपनी आएगी, कंपनी आएगी, कहां है तुम्हारी कंपनी। अबे आधे एवेंजर मर के जिंदा हो गए, कैप्टन अमेरिका बुढ़ा हो गया, इनकी कंपनी नहीं आई है। और कंपनी वाले तो क्या चूहा काटते हैं ना, ऐसा चूहा काटते, 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और इधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा, इस जॉब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जॉब, इसके लूप में हम स्टूडेंट्स पहले जाते हैं। अभी मैं इतना पहला गया हूं, मैं सोच रहा हूं हिमालय चले जाओ, इंजीनियरिंग छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, टिकटॉक डाउनलोड करूं, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊं, कम से कम वायरल होगा, पैसे तो कमाऊंगा मैं। ये तुझे मिलना चाहिए भाई, तू ही है असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको रिलेटेबल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत ही दिल से बनाई है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो गाइस, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो डाउनलोड करो ग्रो ऐप, क्योंकि आप इस पे इजीली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स में पैसे कमा सकते हो। और जरूरी नहीं है ज्यादा पैसे लगाने, 500 और 1000 में भी काम चल सकता है। जाओ और डाउनलोड करो ग्रो ऐप अभी के अभी।